दिल्ली में एक तरफ हम कहते हैं पानी की कमी है, हम लोग जब सरकार बनी थी हमारी 2015 में, उस टाइम लगभग 850 MGD पानी दिल्ली प्रोड्यूस करती थी, इंक्लूडिंग जो पानी आता है WTP पे और एक ग्राउंड वाटर का जो है। इसको हमने कई सारे स्टेप्स उठा के इसको लगभग अब 1000 MGD तक पहुंचाया है। हमारा टारगेट है इसको 1250-1300 तक ले जाने का। 1250-1300 अगर हम ले गए तो मुझे लगता है कि दिल्ली के लोगों को फिर पानी की कमी नहीं होगी। वो 1250-1300 तक ले जाने के लिए दो बहुत बड़े स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। एक है दिल्ली के बहुत सारे इलाके, स्पेशली नॉर्थ दिल्ली और ट्रांस यमुना का सारा ईस्ट दिल्ली, यमुना के उस पार पानी का लेवल नीचे बहुत हाई है। तो हम पानी के ऊपर बैठे हैं और पानी के लिए रो रहे हैं। हम कह रहे हैं पानी नहीं है, पानी नहीं है, लेकिन जमीन खोदते ही पानी मिल रहा है। तो इसके ऊपर बहुत बड़ी योजना चल रही है जिसपे हर 15 दिन में मैं मीटिंग ले रहा हूँ। ऐसे एरियाज के अंदर जिसमें हर साल नेचुरल रिचार्जिंग होती है, यमुना हर साल बाढ़ ग्रस्त होती है, इतना पानी चढ़ जाता है, बाढ़ आएगी बाढ़ आएगी, उसकी वजह से सारी ईस्ट दिल्ली हर साल अपने आप रिचार्ज हो जाती है, सारे हमारे यमुना के फ्लड प्लेन्स रिचार्ज हो जाते हैं। यहाँ पे बहुत बड़े स्तर के ऊपर हम ट्यूबवेल्स लगा रहे हैं जो लॉ परमिट करता है जिन जिन एरियाज के अंदर, और उन ट्यूबवेल से हमें उम्मीद है कि हम काफ़ी पानी निकाल पाएंगे और फिर वो नेक्स्ट ईयर फिर रिचार्ज हो जाएंगे। दूसरा, हमारे जो STP का जो पानी है, लगभग 600 MGD के करीब, हमारा 590 के करीब MGD सीवर, हम STP के अंदर सीवर को ट्रीट करके उसका साफ पानी निकालते हैं। आप लोगों को जान के ताज्जुब होगा कि ये सारा पानी हम यमुना में बहा देते हैं। एक तरफ हम साफ करते हैं उसको, इतने बड़े बड़े प्लांट लगा रखे हैं, करोड़ों रुपए खर्च करके पानी साफ करते हैं, और साफ पानी करके उसको यमुना में बहा देते हैं। क्या फायदा हुआ? तो अब हमने ये तय किया है जितने STP हैं हमारे, 35 के करीब STP हैं, सारे STPs का आउटपुट का पानी, वो पानी जो है उसको बहुत साफ करने का हम अपग्रेडेशन का काम चल रहा है। वो ये 2-4 महीने में सारे कंप्लीट हो जाएगा। वो उसको 10x10 कैटेगरी कहते हैं, सफाई जो है अभी 30x30 का कई जगह निकलता है, 30x30 गंदा पानी माना जाता है, उसको 10x10 पे लेके आ रहे हैं। वो पानी आने के बाद हम ये जो इतनी सारी लेक्स बना रहे हैं, झीलें जो बना रहे हैं, इन झीलों के अंदर हम STP का पानी डालेंगे और वो बिल्कुल साफ है। जैसे द्वारका में और ये 3-4 अभी हम जो गए थे, ये सारा STP का पानी है, इसमें कोई बदबू नहीं होती, साफ पानी होता है। ये इसमें लेक में डाला और लेक में डालने से इतना खूबसूरत आसपास का वातावरण हो जाता है, पक्षी आने लग जाते हैं, हरा भरा हो जाता है और पिकनिक स्पॉट बन जाता है। वो आसपास के, अभी जब मैं द्वारका गया था, कम से कम 3-4 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 5 मीटर वाटर टेबल राइज कर गई 6-7 महीने के अंदर, उस एक लेक की वजह से। तो जब ये आसपास पानी राइज करने लग जाएगा, वहाँ हम फिर काफ़ी सफिशेंटली राइज कर जाएगा, और कानून के मुताबिक अगर हम एक्सट्रैक्ट, वहाँ हम आसपास ट्यूबवेल खोदेंगे और वो ट्यूबवेल से वो पानी निकाल के उसको RO से, बड़े बड़े RO प्लांट्स लगा रहे हैं वहाँ पे, RO से पानी को साफ करके उसको UGR के अंदर ले जाएंगे। तो इन दो स्टेप्स की वजह से मुझे लगता है कि फिर जो आप कह रहे हो छोटे छोटे इन ट्यूबवेल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हम लोगों को पूरे दिल्ली के अंदर पानी। मैं उम्मीद करता हूँ कि साल 1.5 साल के अंदर पानी सफिशेंट होगा दिल्ली में।